बाबर ने ऐसा कमाल की बात है। अभी बहुत ध्यान दे रहे थे कि इतने दिए जलाए वो तेल गरीबों में क्यों नहीं बांट देता। अभी देखिए मैं पूछूं, ये बकरे काटे जाते हैं तो उसकी वजह जजमेंट क्या है, जजमेंट क्या है? सुधांशु त्रिवेदी ने एक लाइन में जवाब दिया, एक लाइन में जवाब दिया, जजमेंट यही है कि रामलला विराजमान अयोध्या में थे, हैं और रहेंगे। ये है जजमेंट, खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं है जजमेंट। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और न्यूज़ डिबेट रिएक्शन वीडियो के अंदर। दोस्तों आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले वो होने वाला है न्यूज़ 18 इंडिया के शो आर पार का। दोस्तों जब से राम मंदिर के उद्घाटन की डेट आई है तब से दोस्तों कुछ लोगों के पेट के अंदर दर्द शुरू हो गया है और वे लगातार इस मुद्दे पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आज की डिबेट राम मंदिर के मुद्दे पर होने वाली है, जिसमें दोस्तों आपको बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी, मौलाना साजिद रशीदी, विवेक श्रीवास्तव और शिवसेना के प्रवक्ता के बीच में काफ़ी तीखी बहस आपको इस डिबेट में देखने को मिलेगी। दोस्तों वीडियो बड़ा ही कमाल का होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक दोस्तों देख के जाइएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर से करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर दें। ये चलता नहीं, अरे जो 2024 में खत्म है। अब सुनिए, मतलब 2024 में अगर सरकार जाएगी तो अरे सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए मेरी बात, मेरी बात पूरी नहीं हुई, मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इनके पास देखिए कितनी लाचारी प्रधानमंत्री के मुंह से आपको दिख रही है। जब देखा कि 5 राज्यों के चुनाव जा रहे हैं हमारे हाथ से, तो राम मंदिर को ले आए। उन्होंने बोला कि 5 राज्यों में बीजेपी हार रही है इसलिए बीजेपी राम का नाम ले रही है, लेकिन फैक्ट ये है कि बीजेपी जब कार सेवा हुई थी और जब विवादित ढांचे का गुंबद टूटा था, बीजेपी ने अपनी 4 सरकारें कुर्बान कर दी थी। उत्तर भारत में एक सरकार बीजेपी की नहीं बची थी। यस यस, उस वक्त में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने हलफनामा दिया था कि मैं मस्जिद नहीं गिरने दूंगा। हलफनामा गोली चलाने के लिए था क्या? आप डिस्टर्ब, ये झूठ क्यों बोलते हैं डिबेट में? आप बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में हलफनामा दिया था, मस्जिद नहीं उसने कहा था, गोली चलाने की बात ही नहीं, विवादित ढांचा और ये बाबरी मस्जिद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मतलब बाबरी मस्जिद आज भी कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा डिस्प्यूटेड मैं बाबरी मस्जिद आज भी कहता हूं, बाबरी मस्जिद मेरी आस्था है, बाबरी मस्जिद और आप रोक नहीं सकते, आपका संविधान नहीं इजाजत देता है। और राम मेरे संविधान मुझे क्या देता है? वहां से बाबर ने ऐसा क्या करा, बाबर ने ऐसा क्या करा उसमें आस्था है? राम राम कमाल की बात है। अभी बहुत ध्यान दे रहे थे कि इतने दिए जलाए वो तेल गरीबों में क्यों नहीं बांट देता। अभी देखिए मैं पूछूं, ये बकरे काटे जाते हैं तो उसकी बजाय गरीबों को नहीं खत्म कर दिया जाता है? बकरा बन जाएगा, बकरे के क्रम में जाने लगेगा, डिबेट इस स्तर की हो जाएगी। बोलिए बोलिए, ये कितनी गरीबी स्तर की बात है? काटो भाई साहब, तेल डिबेट राम मंदिर पे है, दिए जलाएंगे तो खाएंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसका तेल। आप बकरे काटे जाते हैं, दोनों बकरे नहीं काटे जाते, दो से तीन बार, एक सेकंड एक सेकंड, इस चर्चा में दो से बकरों की गाय की बलि दी जाती है। आप कहां लगा बता, कोई बलि नहीं जाती हमारी, ये बहुत लिखा है बोलते हैं, बलि नहीं जाती हमारी, उसके बावजूद फर्क बताता हूँ, खुदाई में नीचे कुछ दिखे। आज मैं आपसे कहता हूँ 6 दिसंबर 1992 से पहले वहां पे कोई ढांचा था, इसका कोई पुरातात्विक सबूत आज नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सिर्फ लिटरेरी एविडेंस है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। इसलिए जब अगर आज के बाद कहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 500 साल पहले का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं होता, कैसे बताइए? झूठ 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 ये बोल रहे हैं, 6 दिसंबर क्या तरीका है और झूठ में लोगों को फंसा रहे हैं। मैं आपका झूठ एक के बाद एक मैंने आप करता हूं, फरवरी 86 में ताला खोला कोर्ट ने और कहा कि ये राम मंदिर है। 9 नवंबर 1989 को जब पहला शिलान्यास हुआ कोर्ट की परमिशन से हुआ, 6 दिसंबर 1992 को ढांचा गिरने के बाद वहां अस्थाई मंदिर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 2019 की बात करी है। अरे भाई आप बेवकूफी की झूठी बात कर रहे हो। अच्छा ये बताइए 2019 का जजमेंट किसके बेटे हुआ? 2019 का जजमेंट किसके बेटे हुआ? पूरी क्रोनोलॉजी बता रहा हूं, जिनको सिर्फ धर्म में आस्था रही, नास्तिक कहते हैं, अफीम की बात कहते हैं, उसके बाद बेहूदा बंदर सिर्फ ये इतना बचकाना और बेहूदा बयान है कि जब मामला हाई कोर्ट में जाता है तो सेशन कोर्ट की प्रोसीडिंग, सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग के साथ जाता है। ऐसा नहीं हवा में एकदम से सुप्रीम कोर्ट बोल देता है। इसलिए मैं आपको लगातार कोर्ट के जजमेंट कोट कर रहा था। 2019 का भी जजमेंट कैसे हुआ? जब 2010 का जजमेंट इस आधार पे आया हाई कोर्ट का कि 2003 में वहां खुदाई करवाई गई, एक सबूत निकला, उसके आधार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा
जजमेंट है क्या ये बोलो, आधार मत बोलो, जजमेंट क्या है 140। बार बार बोला गया जजमेंट क्या है, जजमेंट क्या है। सुधांशु त्रिवेदी ने एक लाइन में जवाब दिया, एक लाइन में जवाब दिया, जजमेंट यही है कि राम लला विराजमान अयोध्या में थे, हैं और रहेंगे, ये है जजमेंट, खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं है जजमेंट। अब कौन किस कहां था, कौन किसने मस्जिद बनवाई, बाबर कहां से आया, बाबर कौन था, ये कहानी खत्म हो गई। अब 2024 से नया अध्याय इस देश में शुरू होता है और वो अध्याय है रामलला का मंदिर। और अब किसी को टेसुए बहाने हैं, आंसू बहाने हैं, बहाता रहे, लेकिन रामलला विराजमान हो गए हैं और अगले 100, 200, 1000 सालों तक वहां पर रामलला ही विराजमान रहेंगे, क्योंकि सत्य के तथ्य बड़े मजबूत होते हैं, चाहे झूठ कितना भी बड़ा हो लेकिन सत्य को डिगा नहीं सकता। यही है रामलला का मंदिर, सीधी सी बात यह है, बस इसके आगे, क्योंकि बार बार जजमेंट क्या है, जजमेंट क्या है, विषय वो नहीं है। अब बाबर का ढांचा खत्म हुआ, रघुवर का मंदिर खड़ा हुआ। दोस्तों सबसे पहले सभी सच्चे देशभक्त और रामभक्त प्लीज कृपया करके कमेंट सेक्शन में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय श्री राम जरूर से लिखेगा। बात है दोस्तों आज की इस डिबेट की, तो दोस्तों आज की डिबेट राम मंदिर के मुद्दे पर थी, जिसमें दोस्तों सभी पार्टी के प्रवक्ताओं ने अपने अपने पक्ष इस डिबेट में रखे। अब दोस्तों आपको बता दें कि राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होने वाला है और ये सभी हिंदुओं के लिए बहुत ही गर्व का दिन होगा जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन इस देश में होएगा। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों के पेटों के अंदर ये बात नहीं पच रही है, वो अभी भी उस चीज़ को मानने की बात नहीं मान रहे हैं कि वहाँ पर अभी भी राम मंदिर है या नहीं है। उनका अभी भी वही घिसा पिटारा पुराना जो वो ढोल बजाते हुए आए हैं कि बाबरी मस्जिद ढा दी, बाबरी मस्जिद ढा दी, वही चीज़ें वो अभी भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही दोस्तों इस डिबेट के अंदर शिवसेना के प्रवक्ता साहब ने कहा कि बाला साहब ठाकरे ने ये किया, बाला साहब ठाकरे ने राम मंदिर के लिए ये किया। हम भी मानते हैं भाई बाला साहब ठाकरे ने बहुत कुछ किया राम मंदिर के लिए, वो एक हिंदू सम्राट थे, लेकिन क्या आप वाकई में उनकी विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हो? मुझे नहीं लगता उद्धव ठाकरे किसी भी एंगल से बाला साहब ठाकरे की विचारधाराओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं सत्ता की भूख के लिए इंडी गठबंधन के साथ शामिल तो हो गए हैं, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता दूं कि वो आने वाले समय में इंडी गठबंधन उन्हें उसी पार्टी से निकाल फेंकेगी जिस तरह मक्खी को चाय से निकाला के फेंका जाता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी आप समझ जाइए, आपकी आप जिस गठबंधन के साथ हो मुझे नहीं लगता कि वो आपको किसी भी तरह से सहायता देने वाली है। खैर दोस्तों आपकी क्या राय इस डिबेट को लेकर, आपकी क्या राय है राम मंदिर को लेकर, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे वीडियो से, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।